काफी डरावना है। हैं तो अंदर नहीं जा सकते और भाग सकते हो, काफी खतरनाक सुरंग के कमरे के अंदर। तो आपको मैं गाइस मैं आ चुका हूँ इस कमरे के अंदर, काफी खतरा है, चमकाट ले, चलो जल्दी बाहर चलो। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी, मैं हूं एआर मलिक और आज मैं मौजूद हूं आदिलाबाद पलक्काबाद के दक्षिण में बना ये पहाड़ों के बीच में खतरनाक किला, जी हाँ, जो कि जहांपनाह के नाम से जाना जाता है। तो मैं अभी मौजूद हूँ इस किले की सबसे ऊपरी वाली गुंबद पर। तो चलिए चलते हैं इस किले के नीचे और आपको इस किले की जितने भी रहस्य हैं अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस किले का जो निर्माण हुआ था वो 700 साल पहले हुआ था। और वो किसने कराया था वो भी मैं आपको बता दूं, जी हाँ, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने इस किले का 700 साल पहले निर्माण कराया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक जंगल है और चारों तरफ किला टूट चुका है और बहुत डरावना है। और आप देख सकते हो इस किले के अंदर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हो काफी खतरनाक रास्ता है, चारों तरफ आप देख सकते हो काफी हॉन्टेड किला है ये, जी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करा के दिखाऊंगा। और आप देख सकते हो, और ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ से भी एक गुंबद के ऊपर को रास्ता जा रहा है। तो चलिए चलते हैं इस गुंबद के ऊपर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर सुरंग, जो कि ये बंद कर दी गई है, जी हाँ। और यहाँ पे अंदर को देख सकते हो, यहाँ से है सुरंग का रास्ता और इसके अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस किले को मोहम्मदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। और इस आदिलाबाद किले के पश्चिम और पूर्व में अनाज के डिब्बे और आंगन बने हुए थे, जी हाँ आपने सही सुना है। और मैं अभी मौजूद हूँ इस गुंबद पर। आप देख सकते हो यहाँ को ये काफी एकड़ में ये किला फैला हुआ है, चारों तरफ को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, जाके देख सकते हो किला उधर तक चारों तरफ फैला हुआ है। और इस किले की दीवारें भी टूट चुकी है और पूरा ये किला खंडर हो चुका है, जी हाँ आप देख सकते हो। और हाँ, जैसा आपको बता दूं, यहाँ से आदिलाबाद किले से नाई का किला 700 मीटर की दूरी पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस गुंबद के ऊपर से यहाँ से नाई का किला आपको बिल्कुल सफा देखने के लिए मिलेगा, जहाँ को मैं अपनी उंगली कर रहा हूँ आप देख सकते हो, वो है 700 मीटर की दूरी पर नाई का किला, जी हाँ वो देख सकते हो आप सामने, काफी दूर और खतरनाक हॉन्टेड बना हुआ है। वहां को जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वहां से, यहाँ से जो आपको मैंने ये सुरंग दिखाई थी, आप दिखा दो यहाँ को नीचे को, ये जो सुरंग दिखाई थी ये सीधा नाई के वहां पर जाता है, नाई के किले पर, जी हाँ यहाँ से सुरंग का रास्ता बंद कर दिया गया है और नाई के किले पर कोई नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर खतरा है इस टाइम। तो अब आपको मैंने यहाँ पर अभी नाई का किला दिखाया था और जो अब वहां से रास्ता नहीं है जाने के लिए, अब क्योंकि वो खंडरों में कहलाता है, वहां पर सारे खंडर हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब आदिलाबाद इस किले की सुरंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक सुरंग गुफा भी है जो उसका राज आपको उस गुफा के अंदर चलकर पता चलेगा। चलिए, हम भी अभी इस गुफा के अंदर नहीं गए हैं, तो चलिए चलते हैं इस किले की एक गुफा के अंदर। आइए मेरे पीछे पीछे और मैं आपको दिखाता हूँ इस किले की गुफा, क्योंकि अभी तक हमने भी नहीं देखी है, हम भी इस किले की गुफा के अंदर पहली मर्तबा जाएंगे, जी हाँ। और चलिए चलते हैं, देखते हैं उस गुफा का राज क्या है।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ सुरंग के पास में। तो चलिए चलते हैं इस सुरंग के अंदर और देखते हैं इस सुरंग का राज क्या है। आइए लेकर चलते हैं और आपको सारी अंदर से सुरंग दिखाऊंगा। तो चलिए आप देखते हो ये सुरंग कुछ इस तरीके से है और काफी डरावनी भी है। आप देख सकते हो दूर दूर तक इस सुरंग के अंदर कोई नहीं है। और ये देख सकते हो सुरंग के अंदर आने के बाद में कमरे भी बने हुए हैं और कमरों के अंदर काफी अंधेरा है। चलिए मैं टॉर्च ओपन कर लेता हूँ फोन की और आपको दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा। काफी डरावना है भाई। ओफो देख सकते हो गाइस इसके अंदर काफी चमगादड़े हैं, तो अंदर नहीं जा सकते हैं, खतरा है। आइए आगे की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी कमरे बने हुए हैं सुरंग के अंदर और ये एक खुला हुआ है यहाँ से। और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनी हुई है ये सुरंग और भाई काफी खतरनाक है ये तो बनी हुई। दूर दूर तक कमरे में अंधेरा ही अंधेरा पड़ा है यहाँ पर। देख सकते हो काफी खतरनाक सुरंग है। और यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ही पत्थरों द्वारा इसको बनाया गया था पहले जो जमाने में। आप देख सकते हो दूसरे किले से और दूसरे गुंबद तक जाने के लिए ये सुरंग बनाया करते थे, तो यहाँ से सफर तय हुआ करता था। चलिए देख सकते हो यहाँ पर कमरा काफी अंधेरा हुआ है इसके कमरे के अंदर, तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसके अंदर मैं नहीं जा सकता हूँ। इसके अंदर जो है काफी खतरा भी हो सकता है, अंदर कुछ भी हो सकता है क्योंकि काफी अंधेरा पड़ा है। तो एक बार मैं आपको जाने की कोशिश करके दिखा देता हूँ, बाकी मैं जा तो नहीं सकता हूँ, काफी खतरा है इसके अंदर। पर आप देख सकते हो गाइस मैं आ चुका हूँ इस कमरे के अंदर, काफी खतरा है, चमगादड़े हैं। चलो जल्दी बाहर चलो जल्दी से। चलिए निकलते हैं अभी सुरंग के अंदर से क्योंकि अंदर काफी खतरा था। और देख सकते हो मैं आ चुका हूँ इस सुरंग के अंदर से और ये सुरंग यहाँ पर आकर खत्म होती है। जी हाँ आप देख सकते हो ये काफी चारों तरफ खंडर ही खंडर है और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इधर से भी इस किले की दीवारें टूट चुकी हैं और इधर से जो है आप देख सकते हो ये है किले का मेन चीज, जो मेन हमारी दीवार होती है, जो बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं। आप देख सकते हो सुरंग के बाहर से निकलने के बाद में ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ से बना हुआ है और चारों तरफ खंडर ही खंडर है इस किले के। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं किले की इधर की ओर भी दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हो इधर भी चलते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। गाइस देखिए यहाँ पर हमें आने के बाद में एक सुरंग और दिखी है, पर ये जो सुरंग है ये है खतरनाक, हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जाने का कोई अच्छी तरीके से रास्ता भी नहीं है और अंदर काफी अंधेरा हो चुका है, तो इसके अंदर जाना हमारा ठीक नहीं है। तो चलिए चलते हैं इस सुरंग के ऊपर ऊपर और देखते हैं आगे क्या है, आपको दिखाएंगे। आइए तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और ये जो आप देख सकते हैं पूरा किला खंडर बिरान पड़ा है, इधर काफी जंगली जंगल और झाड़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर किले का एंड होता है, यहाँ को आगे को कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए हम इधर की ओर नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफी बिरान पड़ा है और खंडर पड़ा है, इधर जाना भी मुनासिब नहीं समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी जंगल है, खतरा भी हो सकता है, सांप सड़ीले सो बातें कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर किले का एंड भी है और आपको मैं काफी दिखा चुका हूँ। तो चलिए अब उधर की ओर थोड़ा चलते हैं। भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से इस किले से चमकता है सामने, देखो आदिलाबाद का जो किला जो गुम्बद है यहाँ से जाने की आप देख सकते हो मेरे सामने, आपको दिखा देता हूँ जहाँ मैं उंगली कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, ये किले के सामने उस पार है। जी हाँ, आप देख सकते हो पहले इस किले से रास्ता सीधा वहां पर जाया करता था, पर यहाँ बीच में अब रोड निकाल दिया है। जी, तो वो थोड़ा सा अलग हो गया है, यहाँ पर बीच में रोड सा निकाल दिया था। तो चलिए अब चलते हैं इधर की ओर, देखते हैं क्या है। भाई जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक दीवार पर आकर खड़ा हो चुका हूँ और यहाँ से हमें चमकेगा पूरा किला। जी हाँ, आप देख सकते हो कैमरा इधर को घुमा दो, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा किला बिराना और खंडर पड़ा है और दूर दूर तक यहाँ पर कोई नजर नहीं आएगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है ये कुछ इस तरीके से कमरे बने हुए, तो चलिए हम चलते हैं आपको इन कमरों के अंदर लेकर और दिखाएंगे अंदर से। तो आप देख सकते हो इन कमरों की जो है छतें पूरी तरह से टूट चुकी हैं और आप देख सकते हो इन कमरों की जो दीवारें हैं काफी अच्छे तरीके से और मजबूती के साथ में बनाई गई थी। जी हाँ, आप देख सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं इन कमरों के अंदर। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो ये है कमरे के अंदर का और मैं आ चुका हूँ कमरे के अंदर।
तो आप देख सकते हो पहले क्या हुआ करता था, ये जो है कमरे के अंदर का व्यू है। जी हाँ, आप देख सकते हो ये है ताक्सी बनी हुई, जो यहाँ पर दीवले वगैरह जलाकर दीप वगैरह यहाँ पर रख देते थे। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कमरा कितनी खूबसूरती के साथ और अच्छी तरह से इसको बनाया गया था, आप देख सकते हो। और यहाँ पर काफी खंडर पड़ा है और काफी डरावना भी हो सकता है, देख सकते हो। ये आप देखो यहाँ से ये कितनी अच्छी तरीके से इसको दर्शाया गया और कितनी अच्छा और खूबसूरत, और ये संगमरमर का इसके अंदर पत्थर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो देखिए आप देख सकते हो ये है कमरे के अंदर की ताके, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनको कितनी अच्छी खूबसूरती के साथ में इसको बनाया गया है। देख सकते हो यहाँ पर भी ये ताक बनाई गई है और ये जो दीवारें हैं आज भी ऐसे ही मौजूद है, और जहां से ये टूट चुकी है वो देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से यहाँ से टूट चुकी है, और ये यहाँ की इसकी छत भी गायब है। और इस कमरे के चलते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ से जो जीना स्टार्ट होता था जब इसकी छत हुआ करती थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह है जीना छत के ऊपर को जाने का। जी हाँ, आप देख सकते हो कितना प्यारा जीना और कितनी अच्छी तरीके से इसको दर्शाया गया है, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं चलता हूँ इसके ऊपर लेकर आपको। आप देख सकते हो ये है मैं रूम के दीवार पे ऊपर आके खड़ा हो चुका हूँ, और आप देख सकते हो रूम कुछ इस तरीके से यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप देख सकते हो। और ये जो सामने आपको दिख रहा है उधर दिखा दीजिए, ये कोई मतलब बाथरूम वगैरह या कुछ इस तरीके से हुआ करता था, देख सकते हो आप उधर को दिखा दो। ये जो है यहाँ से भी टूट चुका है, ये कमरे के अंदर आके एक स्टोर सा बना हुआ था। जी हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया था, और मैं आ चुका हूँ इनकी दीवार पर। जी हाँ, देखिए आप कितनी इसको अच्छी तरीके से बनाया गया था, और यहाँ से छत वगैरह इसकी टूट चुकी है, आप देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं उधर की ओर, भी कुछ है बना हुआ और आपको दिखाएंगे उधर की ओर भी। तो चलिए चलते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा किला वीरान पड़ा है, जो मेन चीजें थी, जो यहाँ की खासियत, जो रहस्य थे, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इस किले की सुरंग भी दिखा चुका हूँ, और यहाँ आप देख सकते हो ये गुम्बद पर मैं सबसे पहले गया था, ये गुम्बद भी सबसे ऊपर टीले पर बनी हुई है, भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। और आप दूर दूर तक देख सकते हो यहाँ पर सारा टूटा हुआ ये किला पड़ा हुआ है। जी हाँ, आप अच्छी तरह से देख लो, ये देख सकते हो आप पूरा किला इधर से टूटा हुआ है सारा, देख सकते हो आप। देख सकते हैं ये भी एक रूम बना हुआ है, और ये तो काफी बुरी तरह से टूट चुका है, आप देख सकते हो ये तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, पूरा खंडर हो चुका है। ये तो बस इसकी चंद दीवारें यहाँ को देख सकते हो आप बची हैं, ये पत्थरों से इसको भी अच्छी तरह से बनाया गया था, और इधर भी कुछ है। चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाएंगे आपको इधर क्या है, आइए। भाई जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इस किले का कुआं। जी हाँ, तो देखिए इसकी जो गहराई मैं आपको बता दूं, इस कुएं की जो गहराई है, इस कुएं की गहराई है 300 फीट, देख सकते हो आप इस कुएं की 300 फीट गहराई है। जी हाँ, क्योंकि आप देख सकते हो अब यहाँ पर काफी चारों तरफ पेड़ पेड़ इस कुएं के अंदर आ चुके हैं, और ये काफी गहरा है, खतरनाक भी है, तो इसके अंदर कोई नहीं जा सकता है, ना ही इस कुएं के अंदर जाने का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं हम इधर, और कुआं मैं आपको दिखा चुका हूँ कितना खतरनाक है। तो चलिए आपको इधर लेकर चलता हूँ, इधर भी कुछ है बना हुआ, और चलिए दिखाऊंगा इधर का भी आपको। भाई जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी कमरे बने हुए हैं कुछ इस तरीके से, जो कि टूट चुके हैं चारों तरफ से, आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक छोटा सा कमरा है, और यहाँ पर भी ये सब कमरे हुआ करते थे, आप देख सकते हो। तो चलिए आपको इधर के भी कमरे दिखा देता हूँ। अब तो सारा वीरान हो चुका है, इधर का सारा टूट चुका है, और काफी डरावना भी है, देख सकते हो। ये है इस किले की मेन जो दीवार होती है, यहाँ से जो सामने का व्यू, जो रोड हुआ करता था, वो सब चमकता है, और यहाँ से जो चमकता है आप देख सकते हो वो इस किले की गुम्बद यहाँ से बिल्कुल सफा चमक चमक ही करती थी, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है बैठा करते थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ का कोई व्यू इस तरीके से, यहाँ पर जो राजा बैठा करते थे। जी हाँ, और यहाँ से पूरा व्यू आप देख सकते हो, और यहाँ का किले का इधर का दिखा दीजिए, यहाँ से भी पूरा शानदार दिखता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। यहाँ से ये जो यहाँ पर सिपाही खड़ा हुआ करते थे, आप देखो ये जो आप देख सकते हो ना, ये जो रास्ता आपको दिखाई देगा, ये जो पत्थरों से यहाँ चिना हुआ है, और पूरा वहां तक दूर तक आपको देखने को मिल रहा होगा, ये पूरा एक ही किला है गाइस, आप देख सकते हो दूर दूर तक फैला हुआ है कई एकड़ में ये। जी हाँ, आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो है काफी खतरनाक, और ये काफी ऊंचा है, आप देखो नीचे का आप देखोगे अगर, तो काफी नीचे है, और ये हम काफी ऊपर किले के मेन दरवाजे पर खड़े हैं। जी हाँ, तो इधर का दिखा दीजिए, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दीवारों को पत्थरों से बनाया गया है, आप देख सकते हो। इसको बोलते हैं बलुआ पत्थर, जी हाँ, लाल कलर का बलुआ पत्थर, जो कि काफी मोटा हुआ करता था ये, और इसको कुछ इस तरीके से किले को दर्शाया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर काफी खतरनाक करके इसको बनाया गया था, और किला काफी एकड़ में फैला हुआ है, आप देखो वहां तक दूर दूर तक आपको चमकेगा, लेकिन ये किला जो है खंडर हो चुका है। तो भाई जैसे कि मैं आपको इस पूरे किले के रहस्य, जो भी इससे जुड़ी बातें थी, और पूरा एक्सप्लोर करके मैं आपको इस किले को दिखा
दिखा चुका हूँ, तो चलिए इस किले का हम यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि पूरा किला आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो मैं आपके लिए कितना रिस्क लेता हूँ और आपके कहने पर यहाँ इतनी खतरनाक ऐसी जगह वीडियो बनाने के लिए आता हूँ। जी हाँ, आपने देखा होगा काफी खतरनाक जगह है, हॉन्टेड जगह है ये, यहाँ पर जल्दी से कोई नजर नहीं आता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।